तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो है आपको जो है नवंबर में 12.5 का अपडेट मिल जाएगा या फिर एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिल जाएगा। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें ना 12.5 का अपडेट मिलेगा ना ही एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलेगा। तो आप लोग ये बोल रहे होंगे तो भाई तूने वीडियो पर क्यों लिखा है थंबनेल पर। गाइस, बात ऐसी है, मैं आपको बताने वाला हूँ, अपडेट मैं आपको दिलाऊंगा लेकिन दूसरे तरीके से दिलाऊंगा। अभी आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बैटरी ड्रेन हो रही होगी, बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रही होगी, ऊपर से फ़ोन लैग कर रहा होगा और फ़ोन थोड़ा हीट हो रहा होगा। तो इसी को बताऊँगा मैं आपको, एक बहुत ही मतलब ऑफिशियल ट्रिक बताऊँगा, कोई मतलब फेक ट्रिक नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग में अभी जो है मेरा 12.0.2 चल रहा है, आपका भी चल रहा होगा, लेकिन आप जो यहाँ पे व्हाट्स न्यू पे क्लिक करते होंगे तो यहाँ पे आपका बहुत सारे फीचर्स दिखाता होगा। ये सिस्टम परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन ये मैं आपको करके दूंगा, आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको करना है। आप अगर कर लेते हैं तो आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेन, बैटरी हीटिंग इशू, जब चार्जिंग के टाइम फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। तो गाइस, हमारी वीडियो में बने रहे, आगे मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से इसकी रोम को डाउनलोड करना है एंड अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग में और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ अभी जो मेरा कौन सा चल रहा है। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम वही है 12.0.2.0, लेकिन आप यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड्स न्यू में यहाँ पे दिखाएगा ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। लेकिन इससे पहले जो मैंने किया था अपडेट, जो सिस्टम अपडेट आया था उसमें ये था कि उसमें सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हुई थी। तो आपको क्या करना है, सिंपली बैक करना है, यहाँ पर आना है और इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर चूज़ अपडेट पैकेज है, डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5-6 बार टैप करना है, ठीक है, फिर यहाँ क्लिक करना है डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज पे क्लिक करना है और इसको आपको जो है एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके इंटरनल में, ठीक है। इसके बाद गाइस क्या करना है, आपको जो है आपके डाउनलोड फोल्डर में जो आप इंस्टॉल करोगे उसे मतलब जो डाउनलोड करोगे यहाँ से आप इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, चूज़ अपडेट पैकेज पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका इंटरनल सेट में जाएगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ अभी डाउनलोड नहीं कर रखा, जैसे आप वो डाउनलोड कर लोगे पूरा, वो 1800 MB का होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जैसे इस पर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है गाइस। इससे ये फ़ायदा होगा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि गाइस इसमें यह है कि पहले फ़ोन हल्का फुल्का लैग होता था और बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती थी, तो गाइस ये पूरा ऐसी रहेगा लेकिन इसमें बैटरी ड्रेन और हल्का फ़ोन गर्म होता था और मतलब लैग करता था, तो वो सब कुछ नहीं है, मतलब बहुत स्मूथ हो गया है फ़ोन, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है अब।